सिंगरौली के चितरंगी में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में भक्त कथा सुनने पहुंचे। बताया जा रहा है कि यह मंदिर काफी खूबसूरत है। यहां भक्तों के निःशुल्क रहने की व्यवस्था के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। दूधमनिया की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर। यह मंदिर इतना खूबसूरत है कि इसके दर्शन करने भक्त दूर दूर से आते हैं। बताया जा रहा है कि पहाड़ी पर 1989 में मंदिर निर्माण शुरू हुआ था और 2004 में भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और महाशिवरात्रि के दिन प्राण प्रतिष्ठा की गई। तब से आज तक महाशिवरात्रि पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत महाशिवरात्रि के अवसर पर इस वर्ष भी भागवत कथा कराई जा रही है। राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर के नाम से यह विख्यात है। यहाँ सन 2004 से लगातार भागवत हो रहा है। ये 2004 से शिवरात्रि पर जो है भंडारा होता है। इस वर्ष जो है 4 तारीख से कलश यात्रा का कार्यक्रम था, 5 तारीख को भागवत कथा का बैठक हुआ, 6वां दिवस है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।